नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरी दुनिया, शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जिसके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब को कल याद नहीं किया जाएगा। भारत का शायद ही कोई जिला हो जहां बाबा साहब को याद न किया जाए, कोई गांव, कोई कस्बा। लेकिन सोचिए आज भी इस तरह की रिपोर्टें आई हैं राजस्थान, यूपी में, जहां बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लोगों ने परमिशन मांगी, नहीं मिला। सोचिए कितना संवैधानिक है बाबा साहब के मानने वाले लोग, उन लोगों ने तय किया कि हम अपने घर में ही एक माला डालकर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। लोग सामूहिक प्रोग्राम करना चाहते थे, लोग सामूहिक जयंती मनाना चाहते थे। कई जगह इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सोचिए महू में चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तीनों जा रहे हैं महू, जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, और उसके बाद कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट भी हो सकता है जिसके कयास लगाए जाए, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने, जिनके फादर, मैं पहले तो दो बातें क्लियर कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर गरीब नहीं थे, उनके पिता सूबेदार पद पर थे। बाबा साहब का दाखिला कला, ये अलग बात है कि जातिवाद की व्यवस्था ऐसी थी कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और अंग्रेजों की वजह से उनको दाखिला मिला क्योंकि उनके पिता सूबेदार के पद पर थे। उस समय भारत का कोई भी आदमी उससे बड़ा पद हासिल नहीं कर पाता था। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा संघर्ष तब शुरू होता है जब वो पढ़ाई लिखाई करके भारत आते हैं और जब जातिवाद से उनका सामना होता है। बचपन में भी कई बार उनका जातिवाद से सामना हुआ, जैसे स्टेशन पर जब वो अपने पिता से मिलने जा रहे थे, वही भीमा कोरेगांव नदी की घटना है, तो उनको किसी ने जब जान गया कि वो उस समय के हिसाब से शूद्र हैं, तो उनको बैलगाड़ी वाले ने बैठने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में वो बड़ा एक लंबा कहानी है, बेटिंग फॉर पिज्जा में उन्होंने लिखा है। अच्छे कपड़े थे उनके शरीर पर, पैसा था उनके पास, उसके बाद भी जातिवाद का दंश उनको झेलना पड़ा। उसके बाद ब्रिटेन से तमाम दुनिया भर के की डिग्री लेने के बाद भी बड़ौदा में क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनको एक पेड़ के नीचे रात गुजारनी पड़ी, और वो बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग प्वाइंट था। तो सोचिए आज क्या हो गया है। अगर बाबा साहब एक गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस होते तो कोई उनका विरोध नहीं करता। दरअसल इस देश में जातिवाद पिछले 50-75 सालों में इस तरह का हो गया है कि जब आप पावर सेंटर्स में जाएंगे, जब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी में जाएंगे, तब जातिवाद आपका पीछा करना शुरू करता है, तब आपकी जाति ढूंढी जाती है, क्योंकि उनको पता है वो लोग जो आपको चीफ चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ जस्टिस बनने देंगे। है सोचिए, जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, वो चीफ जस्टिस बनने देंगे। और सोचिए बाबा साहब की महानता। बाबा साहब ने आज बीपी मंडल साहब की भी पुण्यतिथि है, उस पर भी बात करूंगा। बाबा साहब ने संविधान में क्या कहा, इस देश में जो सबसे ज्यादा शोषित वंचित थी, इस देश की महिलाएं, उनको सबसे ज्यादा अधिकार दिया। जो जाति के नाम पर शोषित थे, जो धर्म के नाम पर शोषित थे, जो लिंग के आधार पर शोषित थे, सबको बराबर का न्याय किया। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया कि ऐसा न हो कि भारत में कोई किसी की आस्था से भी खिलवाड़ करे, चाहे उसकी संख्या कितना कम हो या ज्यादा हो। इसलिए धर्म को भी संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में डाला। बाबा साहब ने व्यवस्था भी की कि आप अपने ज्ञान से, अपनी समझ बूझ से, आप अपने विश्वास को, अपनी आस्था को बदल भी सकते हैं, कोई दबाव नहीं होगा। बोलने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और सबसे ज्यादा बाबा साहब का संविधान ये प्रावधान करता है कि आपकी डिग्निटी, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके लिए मौका जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर तय नहीं होगा। सोचिए कितने विजनरी थे वो, कितना बड़ा विजन था उनका, और नतीजा भी सामने है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, बाबा साहेब
पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब ह्यूमैनिटी मानवता के प्रतीक, बाबा साहेब विज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक और मानवता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। सोचिए बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण हुआ तो उनको मुंबई ले जाया गया, भारत में उनको नहीं दफन किया गया, दिल्ली में, जबकि उनका दिल्ली में परिनिर्वाण हुआ था। सोचिए उसको चैत्य भूमि कहते हैं, लाखों लोग वहां भी आते हैं जब उनके परिनिर्वाण स्थल पर। बाबा साहेब ने जहां दीक्षा ली नागपुर, धम्म की दीक्षा ली, सम्राट अशोक का रास्ता अपनाया, उनके विचारों को आगे बढ़ाया, वहां भी लाखों लोग आते हैं हर साल। और जिस संसद में बाबा साहेब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लॉजिक से, तर्कों से संविधान को पारित करवाया 14 अप्रैल को, वहां भी लाखों लोग आते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश का टीवी अखबार इनके बारे में जिक्र करे और आपको दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर जनसैलाब है बाबा साहब का। सोचिए बिना प्रचार प्रसार, बिना टीवी अखबार के अब घर घर बहुजन समाज के SC ST OBC महिलाएं, शोषित वंचित किसानों के घर बाबा साहब पहुंचने लगे उनका विचार। क्यों बाबा साहब जरूरी है? बाबा साहब इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देते हैं। बाबा साहब इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की तामील शिक्षा देते हैं और उसका संवैधानिक प्रावधान करके गए हैं। बाबा साहब इसलिए जरूरी है कि इस देश की महिलाएं जिनको लिंग के आधार पर सती प्रथा और दफना दिया जाता था, जिनको मार दिया जाता था, जिनको जला दिया जाता था, जिनकी भ्रूण हत्याएं हो जाती है, उनको राष्ट्रपति के पद तक जा सकती हैं, वो फाइटर पायलट बन सकती हैं, SP DM कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो चाहे बन सकती हैं। बाबा साहेब इसलिए सम्मान के प्रतीक है कि जिनके जिनके साथ भेदभाव हुआ उन सब को उन्होंने स्पेशल विशेषाधिकार दिया, चाहे इस देश के ट्राइबल हो, इस देश के दलित हो, इस देश के पिछड़े हो। सोचिए लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान की वजह से जातिवाद बना, कितने भोले और शातिर लोग हैं ये लोग। ये देश 2000 सालों से जातिवाद के घुन में पिस रहा था, चक्की में पिस रहा था, हजारों जातियां बना दी गई थी। बाबा साहब ने उन तमाम जातियों को SC ST OBC और अनरिजर्व और का दर्जा दिया। जाति शोषण का आधार था, जाति गैर बराबरी का अधिकार आधार था। आप सोचिए बाबा साहेब ने इस देश के तमाम इतिहास को जिंदा किया, तो सोचिए आप झुठला नहीं सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। उनके ज्ञान, उनकी डिग्री तो अलग चीज है, उनका जो काम है मानवता के लिए, और सोचिए उसकी कितनी बड़ी कुर्बानी झेली उन्होंने। बाबा साहेब के बच्चे मौत के मुंह में चले गए गरीबी की वजह से, लाचारी की वजह से, और ये गरीबी लाचारी तब आई जब वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहेब ने इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले, मतलब जितनी आप बात कीजिए उतना कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहेब को जाति और धर्म में मत बांधिए। बाबा साहेब ऐतिहासिक हैं जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है, पूरी दुनिया में बुद्ध और बाबा साहेब, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ये सब धरोहर हैं इस देश के, जिनकी पूरी दुनिया में रिसर्च होता है, जिनके नाम, जिनको कहा जाता है कि इन लोगों ने मानवता के लिए, गैर बराबरी के लिए लड़ा। जैसे पूरा ब्लैक कम्युनिटी असोए समाज नेल्सन मंडेला को अपना आदर्श मानता है, मार्टिन लूथर को मानता है। इस देश के मजदूर, पूरी दुनिया के मजदूर जैसे मार्क्स को मानते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोग, ज्ञानवान लोग, और पूरे भारत में जो जाति के नाम पर सताए हुए लोग हैं, लिंग के आधार पर सताए हुए लोग हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना विचार मानते हैं, आदर्श मानते हैं। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या होता? एक ऐसे महामानव थे, इंसान थे,
जिनके मन में कोई लाभ लोभ क्रोध नहीं था, बुद्ध के सच्चे अनुयायी थे, करुणा और दया थी। तमाम शोषण के बाद भी उन्होंने तय किया कि हमें कुछ भी, सोचिए फ्रांस की क्रांति देख रहे थे, वो रूस की क्रांति देख रहे थे जहां रक्त बहाया जा रहा था, हिटलर का वो दौर देख रहे थे, मुसोलिनी का वो दौर देख रहे थे। आप सोचिए हिटलर मुसोलिनी, लेकिन बाबा साहब ने तय किया कि भारत में कोई भी बदलाव किसी भी हथियार के बल पर नहीं होना चाहिए, रक्त बहाकर नहीं होना चाहिए। भारत में जो बदलाव हो वो कलम के दम पर हो, संवैधानिक तरीके से हो, ताकि शोषक और शोषित किसी का खून न बहे, किसी के साथ अन्याय न हो, जो शोषक है उसके साथ भी अन्याय न हो। ऐसे थे बाबा साहेब। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिसमें बुद्ध के विचार ना हो, कबीर के विचार ना हो, संत श्रीमान रविदास के विचार ना हो, फूले साहब के विचार ना हो, संत गाडगे के विचार ना हो, अयंकली के विचार ना हो, पेरियार के विचार ना हो। ऐसे थे बाबा साहेब। हिंसा से कोसो दूर मीलो दूर। इसलिए भारत एक बेहतर मुल्क तभी बनेगा, और बेहतर और मजबूत मुल्क बनेगा, जब हम इस देश के संविधान को, बाबा साहेब के विचार जिसमें निहित हैं, उसको बचा पाएंगे, और उसके हिसाब से यह देश जिस दिन चलेगा, भारत सचमुच फिर से सम्राट अशोक के दौर में जो सोने की चिड़िया थी वो हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहेब संविधान में अमर हैं। बाबा साहेब इस देश के जो भी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें वो अमर हैं, वो महिला अधिकार में अमर हैं, वो जातीय शोषण के खिलाफ अमर है, वो विज्ञान के रूप में अमर है। मैं तो सोचता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो आज हम ना होते। और सोचिए उनके विचार कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे वो। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, यही मेरी पहचान है। और उन सब लोगों को चुप कर दिया जो जाति और धर्म के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ और किसी को नीचा कहते थे। ऐसे थे बाबा साहेब। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है, आप सबको हार्दिक बधाई। और जहां भी आप रहें बाबा साहब को याद करें, उनके विचारों को पढ़ें, उनके किताबों को पढ़ें। बाबा साहेब की वही असली उनकी श्रद्धा, उनको याद करना होगा, उनको नमन होगा, और तभी यह मुल्क मजबूत बनेगा। जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा तभी इस देश का मुल्क मजबूत, तभी यह मुल्क मजबूत होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।